हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा व्लॉग है वो मेरे कॉलेज के ऊपर है, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। सो मैं आज आपको दिखाऊंगा कि अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, कहाँ क्या क्या है, क्या क्या हमारा मतलब एडमिशन प्रोसेस होता है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ, अंदर क्लासेस कैसी है। ओके, तो गाइस लेट्स गो। सो गाइस, अब हम लोग घुस रहे हैं अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में। ये देखिए, ये है मेरा कॉलेज। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे घुसते हैं, सबसे पहले ही आपको यहाँ पे ग्राउंड दिखेगा। ये अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का ग्राउंड है। यहाँ लेफ़्ट साइड में ये लाइब्रेरी है, इसकी भी मैं आपको इस वीडियो में ब्लॉग में मैं दिखाऊंगा आपको लाइब्रेरी के अंदर का। चलो मैं सबसे पहले आपको ग्राउंड दिखाने जा रहा हूँ यहाँ का। अभी एक्चुअली कॉलेज की वेकेशन चल रही है, तो ये बेस्ट टाइम है ये ब्लॉग बनाने का। पूरा कॉलेज खाली है, ये देखिए, ये हमारा ग्राउंड है। इसकी मेंटेनेंस होती रहती है हमेशा, तभी ये इतना हरा भरा हो रखा है। अभी वो जो क्लासेस है वो अभी न्यू बनी है। ये देखिएगा हमारा ग्राउंड, ये यहाँ पे फूल है सारे। सो गाइस, अब ग्राउंड के बाद हम लोग यहाँ चलेंगे लेफ्ट साइड में। ये स्टूडेंट सर्विस रूम है। यहाँ पे मतलब कोई भी अगर आपको फी रिलेटेड कोई इशू है, या फिर आपको अपना कोर्स चेंज कराना है, आपको अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है, तो आपको ये यहाँ पे आना पड़ेगा। ये स्कूल ऑफ ग्लोबल अफेयर्स का, ये देखिए, फी रिलेटेड इशू और आपको मतलब कोर्स वोर्स चेंज कराना, जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना हर सेमेस्टर के बाद, तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। ये देखिए गाइस, यहाँ पे टाइमिंग है। यहाँ पे प्रोफेसर बैठे रहते हैं, अभी लंच टाइम चल रहा है। सो गाइस, अब हम जा रहे हैं ऑडिटोरियम की साइड। ये देखिए ऑडिटोरियम, ये एक्चुअली अभी बंद हो रखा है क्योंकि समर वेकेशन ऑन है। देखिए मैं आपको अंदर से, अगर ये दिखेगा हल्का सा, नहीं दिख रहा कोई बात नहीं, तो अभी समर वेकेशन है इसलिए ये बंद हो रखा है। और ये वो सारे रूम जो मैं आपको बाहर से दिखा रहा था स्टूडेंट सर्विस के। मेरा आईटी रूम अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का, रामपुरा कैंपस का। ओके, इसकी टाइमिंग वैसे ये देखिए गाइस, ये है अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का आईटी रूम। ये देखिए, एक से एक कंप्यूटर यहाँ पे मतलब आपको मिलेंगे। ये यहाँ पे अभी वेकेशन चल रही है, तो ये लोग आ रखे हैं अभी पढ़ाई करने के लिए। ये देखिए, और हमारे यहाँ पे आपको दो दो एसी मिल जाएंगे हर हमारे आईटी लैब में। और अगर कोई, मैं मतलब बेसिकली यहाँ पे ज़्यादा बैठता हूँ इस यहाँ पे, ताकि यहाँ से मेरे को कैंटीन का भी व्यू दिख जाए। वो रही हमारी सामने कैंटीन, ठीक है।
चलो गाइस ये हमारा पूरा आईटी रूम है। अब नेक्स्ट हम जाएंगे वॉशरूम क्लासेस में, ठीक है? ऊपर ही क्लासेस में आपको दिखाऊंगा इसके। सो गाइस जैसे मैंने आपको बताया था कि हम आपको अब क्लासरूम दिखाएंगे। ये देखिए ये अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की क्लासेस है। यहाँ पे प्रोफेसर बैठते हैं और ये बोर्ड, ये स्मार्ट बोर्ड है। यहाँ पे आपको हर क्लासरूम में दो ए सी आपको दिखेंगे। सो गाइस अब हम कैंटीन की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे ये अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की मेरे कॉलेज की कैंटीन है। अभी ये बंद है क्योंकि वेकेशन चल रहा है। ये भी बंद है और इसके पीछे आपको एक वॉलीबॉल ग्राउंड दिखेगा। अभी हम वॉलीबॉल ग्राउंड की तरफ ही जा रहे हैं। गार्ड भैया ये देखिए गाइस ये है यहाँ का वॉलीबॉल ग्राउंड। हमारी वॉलीबॉल की भी टीम अच्छी है, काफ़ी लोग डेली यहाँ पे प्रैक्टिस करते रहते हैं। और उस तरफ है गर्ल्स का हॉस्टल्स। ये रहा गर्ल्स का हॉस्टल। ये देखिए पूरा गर्ल्स का हॉस्टल है। ये देखिए गर्ल्स का हॉस्टल अभी तक खुला नहीं है, खुलने वाला है अभी, अगर अगस्त से खुल जाएगा ये। गाइस अब हम स्पोर्ट्स रूम की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे आपको सारे स्पोर्ट्स के इंस्ट्रूमेंट जितने भी हैं यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे शफीक सर रहते हैं, वही सब कुछ देते हैं स्पोर्ट्स का सामान, जो भी आपको उनसे परमिशन लेनी पड़ती है फिर वो आपको देंगे। ये देखिए ये स्पोर्ट्स रूम, यहाँ पे हमेशा टीटी खेलते रहते हैं लोग 24 घंटे। हमारी टीटी की टीम भी अच्छी है काफ़ी, मतलब जो प्लेयर्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। ये रहा स्पोर्ट्स रूम। मैं इसे बंद कर देता हूँ। तो गाइस आपको रॉबिन ने पूरा कॉलेज दिखा दिया होगा, कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू रॉबिन्स चैनल। थैंक यू पूर्वा। सो पूर्वा जो ये है मेरी मतलब सबसे पहले ही दोस्त है यहाँ पे और सबसे अच्छी दोस्त है। जब मैं कॉलेज में आया था किसी को जानता नहीं था, सबसे पहले हम दोनों ही मतलब मैं इससे मिला और फिर मतलब मेरी बेस्ट बहुत अच्छी दोस्त है ये अभी भी। सो गाइस कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कैसी लगी आपको अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की ब्लॉग कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ गाइस मैं आपको अपने इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप मुझे उस पर फॉलो कर लीजिए। अगर जो भी आपको अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की और भी इन्फॉर्मेशन लेनी होगी एडमिशन के प्रोसेस या जो भी है तो वो आप मेरे को DM कर देना। तो गाइस बाय बाय।